हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए परवल की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और घर में रखे सामानों से ही बनाकर तैयार किया है। परवल की सब्जी तो हम सभी अपने अपने घरों में बनाते हैं। आज मैं जिस तरह से बना रही हूँ वो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मेरे घर में परवल आती है तो सभी लोग इसी सब्जी की डिमांड करते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो परवल की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 8 पीस ताजी वाली परवल ली हूँ। तो सबसे पहले हम चाकू लेंगे और परवल के अगले हिस्से और पिछले हिस्से को हम काट देंगे। परवल को हम सिर्फ खरोचेंगे नहीं, बल्कि इसके ऊपर के पूरे छिलके को हम छिलकर निकाल देंगे। इस तरह से इसके छिलके को हम निकाल देंगे, इससे सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए सारे परवल को हम इस तरह से छील लेते हैं। तो सारे परवल को मैंने छीलकर इस तरह से रख लिया है। अब चाकू लेंगे और इसे हम गोल गोल शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। एक बार इस तरह से परवल की सब्जी बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो परवल को मैंने काट कर अच्छे से धोकर रख लिया है। परवल को भी हम साइड में रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मसाले बनाएंगे। तो मसाले बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़े साइज के प्याज को इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में काट ली हूँ। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने छील कर रख लिया है। 1 हरी इलायची ली हूँ, 3 मैं पकी हुई लाल मिर्च ली हूँ और 1 टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। सभी मसाले को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और इसमें हम थोड़ी सी पानी डालकर इसे महीन पीस लेते हैं। तो सारे मसाले को मैंने महीन पीस लिया है। अब एक बर्तन लेंगे और सारे मसाले को हम इसमें निकाल देंगे, लेकिन 1 चम्मच मसाला हम मिक्सर जार में छोड़ देंगे। अब जो मैंने परवल काट कर रखा था, सेम उसी जार में परवल को डाल देंगे और इसे भी हम महीन पीस लेते हैं। तो परवल को भी मैंने बिना पानी के ही पीस लिया है, तो इसे भी हम एक बर्तन में निकाल देते हैं। तो सारे परवल को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने से इस सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो इन सभी चीज़ों को आगे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे। मैं यहाँ पर 1 कटोरी बेसन ली हूँ। बेसन हम 1 कटोरी पूरा नहीं डालेंगे, जितना लगेगा उतना ही डालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 बड़ा चम्मच इसमें बेसन डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया, लेकिन ये थोड़ा पतला लग रहा है, तो मैं और 1 चम्मच इसमें बेसन डालूँगी। अब इसे हम कुछ सेकंड के लिए फेंट लेते हैं, ताकि जब हम इसकी सब्जी बनाएं तो फ्लफी और सॉफ्ट बने। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारी बेसन अच्छे से फूल जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो। इसे एक बार हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब गैस पर मैंने तेल को आगे ही गर्म करने चढ़ा दिया था और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम एकदम कम कर देंगे और इसे हाथों से उठाएंगे और गर्म तेल में हम छोड़ते जाएंगे। एक बार में जितना आएगा उतना ही हम डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम पर कर देते हैं। इसे हम एक तरफ से सुनहरा होने तक पकाएंगे। ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सुनहरे हो जाएंगे। तो ये एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं। ऊपर से इसका कलर कितना सुंदर आया है, मैंने इसे पलट दिया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पका लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम एक मिनट में निकाल देते हैं। तो सारे परवल को मैंने तलकर निकाल लिया है। कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल है, मैंने तलने के लिए इतना तेल डाला था। क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसे हम निकाल देते हैं। तेल हमारा पहले से ही गर्म था। अब इसमें हम थोड़ी सी जीरा डालेंगे और 1 तेज़पत्ता को हम बीच से तोड़कर डाल देंगे। तो सभी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं। मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक कट करके रखा है, उसे भी हम तेल में डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए सुनहरा होने तक पका लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। अब जो मैंने मसाले पीस कर रखे थे, तो सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे। कटोरी में थोड़े से मसाले लगे हुए थे, उसमें भी हम पानी डालकर इसमें डाल देंगे। एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। सभी चीज़ों को आगे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मसाले को मैंने 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से भून लिया है और मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम 1 गिलास भरकर पानी डालेंगे। सभी चीज़ों को आगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें एक उबाल आने देते हैं। एक अच्छा सा उबाल आ गया है। ग्रेवी में पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि जब हम इस पकौड़ी को डालेंगे तो ये पकौड़ी क्या करेंगे, पानी को सोखेगी और हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे पकने के लिए हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। तो एक एक कर हम सारे पकौड़े को इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसी धनिया पत्ता। ये गैस के फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और इसे हम ढककर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि हमारे पकौड़े सॉफ्ट ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट इसे मैंने पका लिया है और देख सकते हैं हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ी सी और हरा धनिया डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सब्जी को हम उतार लेते हैं। तो चलिए अब सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं परवल की सब्जी बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इसे गर्मा गर्म दाल चावल रोटी चपाती के साथ में बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएंगे। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।